प्रीता, तुम्हारे अंदर ना गिल्ट आ गया है। सच, तुम्हें ऐसा लगने लगा है जैसे तुमने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है। अब उस गलती को तुम सुधारना चाहती हो। तुमने जो शौर्य को हाथ पे स्केल से मारा ना, उसके बाद से तुम्हें ऐसा लगने लगा जैसे तुमने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। और अब तुम ये चाहती हो कि शौर्य की जिंदगी में जो कुछ हो बहुत अच्छा हो, सबसे बेस्ट हो। बिलीव मी प्रीता, तुमने कोई ऐसी गलती नहीं की है, तुमने कोई क्राइम नहीं किया है, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हारा ही कहना है ना कि अगर कोई गलती करता है तो उसको रियलाइज कराओ, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तुमने उसको उसकी सजा दी है, उसके हाथ पे स्केल से मार के, दैट्स इट। इसमें गिल्ट महसूस मत करो, ओके? हाँ, तो फिर सजा दे दी ना मैंने उसे, तुम किस बात की सजा दे रहे हो? हाँ, अगर वो अपनी गलती नहीं मानता, सॉरी भी नहीं मानता, तो फिर तुम सजा उसे दे देते, तब तो मुझे बात समझ में आती भी। पर तुमने शौर्य के साथ जो किया, ये सजा मुझे मंजूर नहीं है। और ये मेरा कोई गिल्ट नहीं बोल रहा है, ये तो मेरे अंदर से एक माँ बोल रही है। जैसे मैं शौर्य का अच्छा चाहती हूँ ना, वैसे ही तुम अपने अंदर के पिता से पूछो, उसे कहो कि वो भी शौर्य का अच्छा चाहे। प्रीता, मैं शौर्य के लिए अच्छे से अच्छा ही कर रहा हूँ, उसका पिता हूँ मैं। और एक और बात बता दूँ, अगर आज मैंने अपना डिसीजन बदल दिया ना, अपना फैसला बदल दिया, तो शौर्य जैसा है हमेशा का हमेशा वैसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा वो। जो सीख मैं नहीं दे सकता, लोग नहीं दे सकते, तुम नहीं दे सकती ना, वो सीख शौर्य को उसकी जिंदगी देगी, और वो जिंदगी देगी जो जिंदगी मैं उसको दे रहा हूँ। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? प्रीता, जिद्दी मैं नहीं हूँ, जिद तुम कर रही हो। और तुम मुझसे गलत चीज मनवाना चाहती हो, जो चीज मैं नहीं मानने को तैयार हूँ, तो इसमें मेरी जिद कहाँ से हुई? अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लग रहा है कि मैं जिद कर रहा हूँ तो ठीक है, कर रहा हूँ मैं जिद। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तुम मुझे सालों से जानती हो। तुमने ही कितनी बार कहा है ना कि तुम जैसे मुझे सालों से जानती हो, बरसों से हम दोनों की जान पहचान है, तो तुम्हीं ने तो कहा है ये, तो अच्छे से जानती हो ना तुम मुझे। अगर इतना ही जानती होती तो अभी तक तो तुम्हें मेरी बात समझ आ जाती और तुम मेरी बात मानते भी, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मैं या मेरी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुमने गलत किया है, शौर्य के साथ एक के बाद एक करके तुम गलत कर रहे हो। रीता, बिलीव मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बेटा है वो मेरा, और जिस कंडीशन में सब चीजें हैं ना इस वक्त, उस कंडीशन में जो एक पिता को करना चाहिए, मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। ओ करण, यू आर इम्पॉसिबल, प्लीज ये जिद, ये पागलपन छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो पता है क्या होगा, शौर्य के दिल में तुम्हारे लिए कड़वाहट या नफरत बढ़ जाएगी, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी, राजवीर के लिए भी। तुम नोटिस नहीं कर रहे हो क्या, वो अभी कितने चिढ़ के बात करता है सबसे, उसके रिश्ते सबके साथ इतने अच्छे नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि उसका अपना परिवार ही उसके साथ गलत कर रहा है। पहले भी तुमने उसके सामने ही राजवीर को कंपनी का सीईओ बना दिया था, क्या तुम्हें लगा नहीं कि उसे हर्ट हुआ होगा? हुआ उसे, कितना हर्ट हुआ उसे। और अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना, शौर्य के सामने सब कुछ धीरे धीरे राजवीर को ही देते रहे ना, तो शौर्य के मन में तुम्हारे लिए, इस परिवार के लिए, राजवीर के लिए जो नफरत पनपेगी ना, वो आगे चल के एक तूफान बन जाएगी, जो इस घर की दीवारों को हिला कर रख देगी। तो प्लीज करण, उसके दिल में ये नफरत का बीज मत बो। नहीं प्रीता, मैंने फैसला कर लिया है, और मैं जानता हूं मैंने जो फैसला किया है वो सही फैसला है। शौर्य बेटा है मेरा, उसको सुधारना मेरा फर्ज बनता है, और ऐसे फैसले मैं आगे भी लेता रहूंगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड, अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगी, प्लीज।